जुबली पोस्ट पे आपका स्वागत है। बिंदास बहस में आज राहुल गांधी की रैली की बात। राहुल गांधी लगातार दहाड़ रहे हैं। कल भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी थी जिसमें हंगामा हुआ, महिलाओं के लिए अपमानजनक वो बात थी, और आज दिल्ली में वो एनडीए सरकार की परत दर परत खोल रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, प्याज का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था नीचे जाती हुई हो, सब पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो एनडीए सरकार है उस पर हमला बोला है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी। जी जी, आप बताएं कि इतनी अपार भीड़, राहुल गांधी फिर उत्साहित हैं, और ये माना जा रहा है कि अभी सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राहुल को फिर से अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने के लिए ये सब कवायद है, आपका क्या कहना है? देखिए उदय, आप ठीक कह रहे हैं। जिस ढंग से इसकी प्लानिंग की गई है, 3-4 लाख लोगों को टारगेट रखा गया था, मैदान खूब भरा हुआ है, और नेताओं का एक ये होता है कि अगर रैली स्थल भर जाए तो उसी को कोई नेता कह देता 50 लाख की भीड़ आए, किसी ने 5 लाख, क्योंकि हम फुट इन से हम गिनते तो है नहीं। हाँ, लेकिन जो भीड़ दिखाई पड़े उससे लगता है कि हाँ अच्छी खासी भीड़ है। अब उसमें दो बातें देखिए कि वहाँ कम से कम 50,000 तो राहुल गांधी के कटआउट मुखौटे लगाए लोग हैं, स्वेटर है पहने हुए हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और उसके बैकग्राउंड में कई दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, फिर राजस्थान के गहलोत, और उसके पहले छत्तीसगढ़ के बघेल, तीनों कह चुके हैं कि साहब हमें राहुल गांधी की ज़रूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आज जो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो ये कहा राहुल गांधी हमारे नेता हैं। ये इस बात को परिलक्षित करता है कि कांग्रेस ने फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष के रूप में लॉन्च करने की तैयारी कर ली। जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कुछ सवाल उठते हैं, कुछ आशंकाएं हैं। आपको याद होगा कि 19 के लोकसभा चुनाव के पहले भी या 14 तक ले जाते हैं और पीछे जाते हैं, जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे, 19 के चुनाव के पहले राफेल और चौकीदार वाले जुमले और नारों के साथ एकदम हमला बोला था, भीड़ खूब जुटती थी, नतीजा 0। अब ठीक है, इस समय कांग्रेस को लगता है कि इस समय आम जनता जिसको कि ये मुद्दे जैसे महंगाई का मुद्दा है सीधे सीधे टच करता है, बेरोजगारी का मुद्दा है, मंदी है आर्थिक अगर मान लें तो, ये सब चीजें परेशान करती हैं, तो इसको, और उन्होंने उसमें वो भी जो अमेंडमेंट बिल है इसको लेके भी उठाया मुद्दा। आपको क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई दूसरे नंबर का नेता ही नहीं है, उनके पास ले दे के सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं, और उनकी तारीफ करने वाले वही दरबारी, वही बूढ़े छत्रव, सिंधिया की बात नहीं होती इसमें, सचिन पायलट की बात नहीं होती जिसमें पोटेंशियल है नई जनरेशन में, जो कि देखिए मैं आपकी एक शंका या आशंका जो है उसका समाधान कर दूं। पहले भारतीय राजनीति में कांग्रेस जो कर रही है वही बीजेपी भी कर रही है। अब आप पूछें वहाँ परिवार नहीं है, ठीक बात। आप ये ऐसे समझिए कि दरबारियों की बात करते हैं तो बीजेपी में दरबारियों का ही सारा है। अगर आप मोदी और अमित शाह के करीबी हैं तो आपकी हैसियत है, वरना आपको याद है ना कि मैडम ने, वित्त मंत्री ने कहा कि प्याज तो मैं खाती नहीं। हाँ, एक मिनट काटेंगे। हाँ, जी ठीक, मान लेते हैं वहाँ भी वही लोग हैं। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास सेकेंड नंबर पर अमित शाह हैं। हाँ, कांग्रेस के पास कौन है? कांग्रेस में फर्स्ट नंबर पर राहुल गांधी, सेकंड नंबर पर प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का जादू कहाँ चला पिछले इलेक्शन? देखिए जादू ऐसा होता है कि परिस्थितियों के अनुसार, प्रियंका के साथ वाटर है,
वांड्रा जुड़ा हुआ है, हाँ। उनके हस्बैंड वांड्रा है, जो उनकी सब जो उनका करिश्मा है उसको धुंधला कर देते हैं। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अगर ये वांड्रा का मामला नहीं होता तो कांग्रेस काफी आगे बढ़ती, लेकिन अब जो कर चुके हैं, जो कुकर्म हैं, वो तो पार्टी झेलने पड़ेंगे। आप इससे देखिए, लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, और सही है कि कांग्रेस एक पार्टी है एक परिवार की। राहुल गांधी बेचारा 3 महीने तक कहता रहा मैं नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, पूरी एक एक्सरसाइज चली कि तुम बन जाओ, लेकिन टाइम टाइम फिर अंत में सोनिया गांधी को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। और आप जानते हैं कि सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं और एक माँ है। इस देश में कोई भी नेता माँ बाप से ऊपर नहीं है, वो जनता को बताते हैं कि देश के लिए प्राण दे देना, देश के लिए निछावर हो जाना, पार्टी के लिए निछावर, लेकिन जब कुछ देने लेने की बात आती है तो वो अपना परिवार ही आता है। बीजेपी में अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी कल सत्ता छोड़नी हो तो उनको अमित शाह ही नजर आएंगे। ये एक ह्यूमन कैरेक्टर है, बाकी बातें खोखली और आदर्शवादी हैं। अमित शाह आते हैं उसके बाद, लेकिन आपने अभी एक शब्द प्रयोग किया था राहुल बेचारा, हाँ। तो जनता में भी ये परसेप्शन है कि राहुल गांधी बेचारा है, एक भोला बाला जिससे कि इतनी बड़ी चुनौती या इतनी बड़ी पोस्ट या इतने देश की कमान संभालने की क्षमता नहीं है, जनता में ये परसेप्शन, हाँ, है। देखिए आप ऐसे समझिए कि जब 2019 के पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तब 3 चुनाव जीते और ये हो गया कि राहुल पप्पू नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। राहुल देखिए उसने छत्तीसगढ़ जीते ठीक है, और मध्य प्रदेश बड़ी पतली मार्जिन से जीते, और उसमें राहुल की बहुत कोई भूमिका थी क्या? मुझे नहीं। देखिए पार्टी को जो लीड करता है श्रेय उसी को मिलता है, और हार जाते हैं तो लोकल लोगों के सिर जिम्मेदारी मथी जाती कि तो हाँ सेनापति फिर कमान संभाल रहा है। हाँ, आप इतिहास में देखिए वो मोहम्मद शाह गौरी कितने, ये मतलब राहुल का कमबैक है। हाँ, हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा होगा कि नहीं, लेकिन राजनीति और युद्ध एक ही तरह के, ऐसा नहीं कि एक युद्ध आप हार गए तो आप बैठ जाएंगे। कांग्रेस जो अभी जिस रणनीति के हिसाब से चल रही है और करना भी चाहिए उसको, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि एनडीए के सामने एक सशक्त विपक्ष हो। और मैं एक बात बताऊं, इम्पोर्टेंट बात है, देखिए जैसे 3 राज्यों पर जब जीते थे 18 में, जिससे राहुल बड़े भारी नेता बन गए, अभी भी उनको नेता बनाने काम एक छोटा राज्य किए जाने की संभावना द्वारा, जैसे झारखंड में उनकी जो रैलियों को समर्थन मिल रहा है, और मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। रैली की भीड़ से हम उसके रिजल्ट का अंदाजा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस रैलियों में जितना भीड़ हो, जितना नपा तुला वो भाषण दे रहे हैं, ठीक, और जो माहौल इसमें बना हुआ है, भाई जब 19 में चुनाव हुए तो ये देश सुस्ती से नहीं गुजर रहा था, अर्थव्यवस्था खतरे में नहीं थी, हैं, तब इस देश में बेरोजगारी 40 साल की हाईएस्ट नहीं थी, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं, तो उनका जो वहां पर इम्पैक्ट दिखाई पड़ा है, जो वहां से खबरें आ रही हैं, उसी से कांग्रेसी उत्साहित हैं कि अगर हम झारखंड में मुक्ति मोर्चा के साथ जीत जाते, सरकार बना लेते, तो दिस इज द राइट टाइम टू रिलॉन्च राहुल गांधी। राजनीति में हमेशा चलेगा, राजनीति और युद्ध में ऐसा नहीं होता कि एक युद्ध हार गए तो अब छोड़ दिया युद्ध करना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि राहुल गांधी उनके स्टार हैं और सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस की वो ब्रांड हैं और उनको रिलॉन्च किया गया, लेकिन वो जो ब्रांड है रिलॉन्च कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसा काम कर देते हैं कि सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। जैसे तो कोई रॉकेट है, आपने लॉन्च किया पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरे स्टेज में वो समुद्र में जा गिरा, ठीक, तो बात ये खतरा तो अभी, हाँ, भी है, ये उसका कारण है जी। उनके पास जो वो टीम है उसे विभिन्न धाराओं के लोग हैं, विभिन्न मानसिकता के लोग हैं, वन मैन कहने के लिए पार्टी वन मैन है, लेकिन वन मैन डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा राहुल को क्या करें, कहिए वो क्या कहते हैं वो अरे ये जो तमाम बीच बीच उनके बड़े नेता गलत सच बोल देते हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, मणिशंकर अय्यर और ये सब, उन पर उनका नियंत्रण भी नहीं, लेकिन वो उनको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वर्षों से पार्टी के साथ है।
हाँ पुराने साथी, तो ऐसे एक पार्टी में दिक्कत आती है। बीजेपी ऐसी पार्टी क्या, क्योंकि संघ बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी। कांग्रेस आज भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो समर्थकों की पार्टी है, वो उनके चाहने वालों की पार्टी है। चाहने वालों की पहले है समर्थक ही तो। हाँ वही तो दिक्कत है कि एक इनर सर्किल है जो। हाँ वही दिक्कत है। और जनता चाहती है, जनता चाहती है कि देश में बदल बदल के सरकारें अच्छा काम करें। लेकिन अच्छा आप ये हमको बताइए, जब विकल्प देना है तो दो ही निर्णय पार्टी तो बीजेपी से नाराज होंगे तो कांग्रेस तरफ चले जाएंगे, कांग्रेस से नाराज होंगे बीजेपी की तरफ चले। और ये मुझे लगता है एक लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र का एक अच्छा संकेत है। तो नेशनल स्तर पर जब विपक्ष देने की बात होगी तो कांग्रेस ही आएगी। आप भले उसको पप्पू कहते रहें, हाँ। ये कहते रहें साहब, वो समझते नहीं है, लेकिन जनता सामने विकल्प क्या है। ठीक बात। तो राहुल गांधी इस समय आक्रामक हैं, राहुल गांधी इस समय गुस्से में हैं, राहुल गांधी लगातार एनडीए सरकार पे हमले कर रहे हैं, और इत्तेफाक से कुछ बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिससे आम जनता प्रभावित है। और जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि ये सही समय है, और अगर झारखंड में इनकी झोली में अच्छी सीटें आ जाती है, सरकार बन जाती है, तो इनको फिर से रिलांच, हाँ ऐसा मेरा मानना है। हाँ और अगर आगे वो एक संतुलित पार्टी की तरह और एक ऑर्गेनाइज पार्टी की तरह काम करेंगे तो जनता को एक विकल्प मिलेगा। और ये भाजपा के लिए भी एक चुनौती होगी कि जो उन्होंने गलतियां की, हाँ, एक सबक होगा, सबक सबक होगा, उसको सुधारें। तो इस उम्मीद के साथ कि लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, एक तरफा लोकतंत्र कभी भी अच्छा नहीं होता, उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उठाएंगे, लेकिन इस बीच वो जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो बड़ी हो जाती है, नहीं करेंगे, और एक अच्छे लोकतंत्र का हम फिर उदाहरण पेश करेंगे। हम एक नए मुद्दे नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जुबली पोस्ट, और जुबली पोस्ट को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। नमस्कार।